नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ भाई दूज। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और 5 दिवसीय त्यौहार के 5वें दिन मनाया जाता है भाई दूज का पर्व। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है, जिसे बड़ी श्रद्धा और परस्पर प्रेम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम का समर्पित है। कैसे मनाते हैं भाई दूज का पर्व? दीपावली के 3रे दिन मनाया जाता है। इस दिन विवाहिता बहनें भाई बहन अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती हैं और गोबर से भाई दूज परिवार का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन कर भाई को प्रेम पूर्वक भोजन कराती हैं। बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उपहार देकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई दूर से जुड़ी कुछ मान्यताएं जिनके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। भाई दूज की कथा। सूर्यदेव की पत्नी छाया की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से स्नेह वश निवेदन करती थी कि वे उसके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपने द्वार पर अचानक यमराज को खड़ा देखकर हर्ष विभोर हो गई। प्रसन्नचित हो भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। तब बहन ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे। तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए उसे आपका बहन आ रहे यमराज तथा कहकर यमुनापुरी चले गए। ऐसी मानता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं उन्हें तथा उनकी बहन को यम का भय नहीं रहता। मानता भाई दूज को लेकर यह मानता प्रचलित है कि इस दिन भाई को तिलक लगाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराने से परस्पर तो प्रेम बढ़ता ही है, भाई की उम्र भी लंबी होती है। क्योंकि इस दिन यमुना जी अपने भाई यमराज के से वचन लिया था, उसके अनुसार भाई दूज मनाने से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है और भाई की उम्र व बहन के स्वभाव में वृद्धि होती है। उपसंहार। भाई का प्रेम है सबसे अलग। बहन के प्रति बचपन से चिंतित रहने वाले भाई के प्रति प्रेम प्रकट करने का इससे अच्छा अवसर दूसरा नहीं। जितना महत्व रक्षाबंधन को दिया जाता है उतना ही महत्व भाई दूज को भी दिया जाना चाहिए। बहन को चाहिए कि भाई को अपने घर बुलाकर उसे भोजन कराए तथा लंबी उम्र की कामना के साथ छोटा सा ही सही पर उपहार जरूर दें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।